अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो इस व्लॉग में सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ पता तो चल गया होगा आपको लोगों से, आपको डिस्क्रिप्शन और टाइटल से, कि आज के इस व्लॉग में मैं जा रही हूँ पाकिस्तान से यूके लंदन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी एक्साइटेड। दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट। इवन मैं फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठ रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डरी भी हुई थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। बहुत मुझे पता है बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे और फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठेंगे। तो जो जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करूँगी अपनी इस फ्लाइट में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करते जाऊँगी। यहाँ मैंने जो फ्रंट कैमरा ऑन किया तो मैं अब खुद को शूट कर रही थी, तो मैं पीछे मैंने देखा आंटी मुझे देख रही थी, तो मैं भी स्माइल करने लग गई। तो बोर्डिंग और इमिग्रेशन जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं तब रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट मैं वो सारी डिटेल्स आपको आगे व्लॉग में जाके दूंगी इंशाल्लाह। आगे मज़ीद बहुत डिटेल्ड वीडियोस आया करेंगी, बिकॉज़ जब मैं लंदन में होंगी तो लंदन की फिर वीडियोस आएंगी कि यहाँ स्टूडेंट सर्वाइव कैसे करते हैं। तो आप मेक श्योर कर लें कि मेरे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। तो जनाब, यहाँ प्लेन में हमें फ़ूड सर्व किया गया था। तो इस फूड में था, एक ब्रेड था, कुछ स्वीट्स थे और एक निम्को टाइप था। तो ये फूड मैं आपको, मतलब आगे इसको ओपन करके मैं दिखाऊंगी भी कि रोल बना हुआ था। तो ये इतना खाया भी नहीं जाता, मुझसे तो नहीं खाया गया, क्योंकि बस ये दिखने में अच्छा होता है, वैसे खाने में टेस्ट वगैरह अच्छा नहीं होता। ये निम्को थी जो कि वैसे भी पाकिस्तान में मिलती है, और ये बंद था। इस एक बाइट के अलावा मैंने नहीं खाया, और फूड ऐसे ही था मेरा। तो ये एयर होस्टेस थी जो सबको ऐसे प्यार प्यार से सर्व कर रही थी। तो मेरी फ़्लाइट बहुत अच्छी थी, फ़्लाइट थी इतिहाद एयरवेज़, और मेरी कनेक्टेड फ़्लाइट थी। और मेरा अबू धाबी में 7 आवर्स का स्टे था, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। तो मैंने सुना हुआ था कि वॉशरूम बहुत ख़तरनाक होता है फ़्लाइट में, बट इतना कोई ऐसा इशू नहीं था, ठीक था, हर चीज़ ओके थी। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो बहुत ही अच्छा था। और देखें, मुझे आसमानों पे भी चैन नहीं आ रहा, मैं टिक के बैठ ही नहीं रही। मैं टिक के नहीं बैठ रही, देखें ना मैं कैसे चल फिर रही हूँ आसमानों में भी फ़्लाइट में। तो अभी हम बात कर लेते हैं अभी इमिग्रेशन और बोर्डिंग की, क्योंकि तब तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो अपने फ़्लाइट के टाइम के तकरीबन 1 आवर या 2 आवर पहले आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं और अंदर एंटर हो जाएं, और सारा अपने बोर्डिंग वगैरह करें, और हर चीज़ को चेक इन वगैरह कर लें। तो मेक श्योर करें कि आपका वेट ओवर ना हो। और दूसरा, इमिग्रेशन में जस्ट आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, आपका वीज़ा चेक करते हैं, और फिर आपको एग्ज़िट की स्टैम्प लगा देते हैं। और यहाँ प्लेन लैंड करने वाला था और दिल को कुछ हो रहा था मेरे, लेकिन इजी था सब, बहुत रिलैक्स थी मैं, और इतना ज़्यादा डर भी नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट थी और माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह से सब ओके था। और आपकी जो भी फ़्लाइट होगी, आप उन्हीं की फिर कोई वैन होगी या कोच होगी जो आपको एयरपोर्ट तक लेके जाएगी, क्योंकि जहाँ प्लेन लैंड होते हैं वो एयरपोर्ट से काफ़ी दूर लैंड होते हैं। तो इसीलिए ये वैन पे मैं बैठी थी हम सब, और फिर वो हमें एयरपोर्ट तक लेके गई थी। तकरीबन 15 to 20 मिनट्स का ट्रैवल होता है। और यहाँ फिर एयरपोर्ट पे पहुँची अबू धाबी के, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये और बहुत प्यारा भी एयरपोर्ट था। तो मैं थोड़ी सी आपको फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो मेरी फ़्लाइट थी इसमें 2 लगेज अलाउ थे, एक 30 kg का और एक 7 kg का। शोल्डर बैग वो ये काउंट नहीं होता, बट वो भी अलाउ होता है। तो आप ऐसा करें कि जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आप अपने शोल्डर बैग में रखें, बाकी सारे जो आपका लगेज होगा वो आप प्लेन में ही भिजवाएं, ताकि आपको पाकिस्तान से डायरेक्ट लंदन में ही मिले, ठीक है। और मेरी ये कनेक्टेड फ़्लाइट थी, तो अबू धाबी में मेरा 7 आवर्स का स्टे था, और ये एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से फ़र्स्ट टाइम एक तो फ़्लाइट में बैठी, दूसरा फ़र्स्ट टाइम ही आउट ऑफ कंट्री जा रही, फ़्लाइट भी फ़र्स्ट टाइम थी, और हर चीज़ बहुत ज़्यादा न्यू था, और मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी कर रही थी और देख भी रही थी। तो यहाँ ये करेंसी एक्सचेंज पे मैं आई थी, तो
तो दिरहम मुझे ले कन्वर्ट करने थे, मेरे पास थोड़े पाकिस्तानी रुपये थे। बट मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगी कि कभी किसी एयरपोर्ट पे जाके आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज मत करिएगा। अगर आप मेक श्योर करें कि पाकिस्तान से पाउंड लेके आएँ, यहाँ एयरपोर्ट पे अगर आपके पास दिरहम नहीं है तो पाउंड से भी आप कोई चीज़ बाई कर सकते हैं। तो ये एयरपोर्ट बहुत माशाल्लाह प्यारा था और ये सारी लाइक हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है अगर आपको कुछ बाई करना होता है, बट बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ फिर मैं अपनी गेट के पास जा रही थी जहाँ से फिर मुझे फ़्लाइट में बैठना था, तो मेरा गेट नंबर 64 था, तो मैं फिर वहाँ जा रही थी। अपना गेट नंबर सर्च करने के बाद फिर मैं यहाँ से कुछ लेने आ गई। मैंने एक जूस लिया था और एक मैंने केक लिया था, और अच्छा था वो भी बट एक्सपेंसिव था। तो यहाँ ये लेडी हमारे एग्ज़िट अबू धाबी से एग्ज़िट की स्टैंप लगा रही हैं, ये ब्लैक ड्रेस वाली लेडी। और यहाँ जो हमारी चेकिंग हुई है अबू धाबी से जो लंदन तक जाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, लाइक कि एक एक आपका लगेज चेक करेंगे, अगर उनको ज़रा सा भी आप पे कोई डाउट होता है तो वो चेक करते होते हैं। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह इजी थी, हर चीज़ इतना कोई इशू नहीं था, बट मैंने देखे थे एक दो लोग जिनका बहुत, उन्होंने हर चीज़ फिर बैग वगैरह ओपन करवा लिए थे। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जो आपके बड़े लगेज होंगे उनको आप डायरेक्ट प्लेन में ही भिजवाएँ, अपने साथ लेके ना फिरें, बस एक छोटा सा बैग शोल्डर बैग अपने पास रखें, बाकी लगेज आप अपना प्लेन में ही भेजें, क्योंकि वो एक दफ़ा बस चेक होता है, बाद में फिर इधर आके चेक नहीं होगा। तो ये मेक श्योर करिएगा। बाकी ये इधर प्लेन में हम बैठने लगे हैं जो कि हम लंदन फिर जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो पाकिस्तान एयरपोर्ट से मुझे बोर्डिंग जब हम कर रहे थे तो जो बोर्डिंग पास मिला था अबू धाबी और लंदन वाले प्लेन दोनों का, मेरा बोर्डिंग पास एक ही था और टिकट वगैरह हर चीज़ उसी के ऊपर ही मेंशन थी। तो मेक श्योर करें कि जब आप, मेरा तो स्टे 7 आवर्स का था, बट अगर आपका स्टे कम है तो आप जैसे ही अपने कनेक्टेड, अगर आपकी फ़्लाइट है तो जैसे ही आप अपने पहले वाले प्लेन से उतरें तो उसी बोर्डिंग पास से देख के फ़ौरन से आप अपने गेट पे पहले जाएं, ताकि आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल ना हो। और यहाँ जैसे मैं प्लेन की सीट पे आके बैठी थी तो वहाँ एक पोटली थैली सी पड़ी हुई थी और ब्लैंकेट भी पड़ा हुआ था। तो जब मैंने ये ओपन किया तो इसमें हेडफोन होते हैं और आई मास्क था, आपके एयरबड्स होते हैं अगर आपको प्लेन में स्लीपिंग अगर लाइक सोना है, टूथब्रश। अब देखना टूथब्रश का क्या काम, कौन इतना फ्री और वेला है कि प्लेन में जाके टूथब्रश करे, बट लोग करते होंगे इसलिए उन्होंने रखा है। तो ये एयरबड्स है कि अगर आपको सोना है, तो ये सारी चीज़ें हैं बायोगोड के, ये चीज़ें अभी मैं देख रही हूँ, इनको बाद में मैंने ऐसे ही रखा था, कोई यूज़ नहीं होते, तो ऐवे उन्होंने मतलब दिए होते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं शायद। तो ये सारे वाइप्स के आफ्टर मील अगर आपने हैंड वॉश करने हैं तो ये सारी चीज़ें आपको प्लेन में मिलती हैं। तो यहाँ प्लेन मेरा टेक ऑफ करने वाला था और ये भी लाइक बहुत बड़ा और बहुत बड़ा अच्छा प्लेन था, बड़ी अच्छी लाइक ये फ़्लाइट थी इतिहाद एयरलाइन। अगर तो आप आना चाह रहे हैं, अगर आपकी वीज़ा लग गया है, ला करे सबका लग जाए, और अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो आप ये वाली फ़्लाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा।
और मेरा जो अबू धाबी से लंदन की फ़्लाइट थी, इसमें दो दफ़ा मील मिला था। और यहाँ पूछते हैं आपसे कि आपको कोरमा खाना है या बिरयानी खानी है, तो मैंने तो उनको कहा था कि मुझे बिरयानी खानी है, तो बिरयानी बस ओके थी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और ये थोड़ी सी लाइक आइसक्रीम टाइप था, ये थोड़ा सा मैंने खाया था ऐसे ही, जैसे मेरा ये मील पड़ा है ना ऐसे ही था, मैंने नहीं खाया था, ठीक है, इतना अच्छा नहीं होता। जो बिरयानी हमारे पाकिस्तान की है वो उसका टेस्ट थोड़ा ना आएगा यहाँ। तो ये कितना प्यारा व्यू है, बिल्कुल आसमानों पे, क्या सीन था। मैं थोड़ी देर सो गई थी और फिर मैंने ये रिकॉर्ड जब किया, मैंने विंडो ओपन की तो ये सीन था, और मैंने कहा वाह वाह माशाल्लाह क्या नज़ारे हैं। और यहाँ यहाँ पे जस्ट तकरीबन आधा घंटा था कि हम लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले थे। जी जनाब, तो हम लंदन एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। और मुझे आपको एक बात और बतानी है कि टू साइड्स हैं आपने बोर्ड्स, साइटें जहाँ मेंशन होती हैं वो लाजमी पढ़ लेनी है, कि जो ब्रिटिश पासपोर्ट वाले हैं वो एक साइड पे जाएंगे और जो एशियन है वो दूसरी साइड पे जाएंगे। ये थोड़ा सा व्यू इमिग्रेशन का था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद, लगेज कलेक्ट करने के बाद, ये मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गई हूँ। अराइवल्स जहाँ अराइवल्स होते हैं, जहाँ हम बाहर निकल जाते हैं, माशाल्लाह से अभी आई एम इन लंदन, अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में यूके में पहुंच गई हूँ। और यहाँ तक का जो जर्नी था बहुत टफ था, और बहुत ज़्यादा लाइक सब्र करना पड़ता है आपको, हिम्मत करनी पड़ती है, ये प्रोसेस बहुत आसान नहीं होता, ठीक है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, हर चीज़ बहुत अच्छी हो गई, नाउ आई एम इन लंदन। और इंशाल्लाह बाकी के व्लॉग्स भी आहिस्ता आहिस्ता मैं वीडियोस डालती जाऊँगी, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद डिटेल्ड वीडियो आपको मिलती रहें।